उस तरह रुक कर रहे हैं। बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बैठक बुलाई है। बड़ी अहम ये बैठक है। फीस नहीं देने के बाद यह आरोप लगाते हुए स्कूल प्रशासन ने 59 बच्चियों को स्कूल में 5 घंटे के लिए कैद रख लिया था, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा किया और कई सवाल खड़े किए, जिसके बाद स्कूल प्रशासन घेरे में आने के बाद सफाई घेरे की माने के बाद सफाई देने के सामने आया। और अब यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने बड़ी बैठक बुला ली है, सीएम केजरीवाल ने बुलाई है बड़ी बैठक। पुलकित नागर जुड़ के और जानकारी के साथ सीधा रुख करते हैं पुलकित की तरफ। पुलकित, बैठक बुलाई गई, कब ये बैठक शुरू होगी, क्या कुछ मुख्य बातें निकलने वाली इस बैठक में? देखिए, 12:30 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एजुकेशन डायरेक्टर और सचिव को बुलाया है, पूरी की पूरी रिपोर्ट के साथ कि आखिर क्यों बच्चों को बंधक बनाकर रखा गया, वो भी फीस जैसे मुद्दे पर। आपको याद होगा, लगातार आम आदमी पार्टी फीस के मुद्दे को उठाती रही है और अब बच्चों को बंधक बनाना, यही वजह है कि आप अरविंद केजरीवाल ने एजुकेशन डायरेक्टर और सचिव को 12:30 बजे का टाइम दिया है कि 12:30 बजे वो पूरी रिपोर्ट के साथ वहां पहुंचे कि आखिर ऐसा स्कूल में क्यों हुआ। जी जी पुलकित, और कौन कौन लोग पहुंच सकते हैं इस बैठक में? क्या परिजनों को भी शामिल किया जाएगा किसी तरह से? क्या उनको भी सफाई दी जाएगी यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से? देखिए, अभी परिजनों को नहीं, क्योंकि इमरान हुसैन मंत्री जो है दिल्ली सरकार के अंदर, उन्हें वो स्कूल में गए थे, तो वो भी अपना अपना व्यू रखेंगे। लेकिन जो बुलाया गया है वो एजुकेशन डायरेक्टर और सचिव को बुलाया गया है कि वो पूरी रिपोर्ट के साथ पहुंचे, तो परिजन नहीं होंगे, लेकिन रिपोर्ट पूरी मानी जाए मंगाई गई है, उसके बाद में अरविंद केजरीवाल एक्शन ले सकते हैं पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद, क्योंकि सरकारी महकमा है तो पहले सरकार एक रिपोर्ट तैयार करेगी इस पूरे मामले पर और एजुकेशन डायरेक्टर उस रिपोर्ट को अरविंद केजरीवाल को देंगे 12:30 बजे पूरी डिटेल के साथ। उसके बाद में फैसला क्या होता है वो 12:30 बजे के बाद में तय होगा। बहुत शुक्रिया आपका दोपहर 12:30 बजे बैठक बुलाई गई है। पुलकित नागर हमारे संवाददाता ये जानकारी हमें दे रहे थे। अरविंद केजरीवाल ने बैठक बुलाई है, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। और इसी बड़ी खबर के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, बने रहिए।